हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया छोटी छोटी खस्ता कचौरियों की रेसिपी, जो कि बिल्कुल होटल जैसे स्वाद देगी और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। ये बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की बनाई है मैंने, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगने वाली है। तो देखिए कितना अच्छा बना है, इसका स्वाद जितना अच्छा है उतना ही ऊपर से ये खस्ता और क्रिस्पी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं नमक आधी चम्मच, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे कलौंजी डाल दी है, थोड़े से अजवाइन को मैंने ऐसे हाथ से क्रश करके डाला है। अब इस सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मोइन। मोइन के लिए देखिए मैंने यहाँ पे तेल डाला है, आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोइन के लिए तेल जो हम डालते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसकी मात्रा एकदम सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, अगर अगर आप आटे को ऐसे हाथ से लड्डू की तरह बनाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और अच्छे से एक लड्डू का शेप ले लेंगे। तो समझ जाइए कि ये हमारा जो आटा है एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना के तैयार करेंगे। डो को हमें एकदम ढीला नहीं करना है, पतला नहीं करना है, थोड़ा इसको हमें टाइट रखना है, क्योंकि ये मैदा है, मैदा बहुत जल्दी थोड़ा सॉफ्ट हो जाने लगता है। तो हमको शुरू में इसको थोड़ा टाइट करके रखना है। 2-4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले देखिए मैंने 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, और 1 चम्मच साबुत जीरा, और 1 चम्मच जो है साबुत सौंफ को ले लेंगे। इसको हमें 2-4 मिनट के लिए ऐसे बस थोड़ा सा भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। इसमें से बहुत ही अच्छी एक खुशबू आने लगी है। तो हमारा जो ये मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देखिए बेसन ले लिया है। इसको भी हमें ऐसे थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि हम मसाले में बेसन डालेंगे तो पहले भून लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका जो कच्चापन है वो मसाले में फील होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो बेसन को हमें ऐसे थोड़ा सा भून के साइड में रख देना है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो हमने मसाला लिया है उसको क्या करेंगे, दरदरा पीस लेंगे। अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। आप लोग देखिए इसमें बिना प्याज का भी बना सकते हैं, सिर्फ बेसन और जो हमने धनिया जीरा और सौंफ का जो मसाला तैयार किया था उसका बन सकता है, या फिर इसमें साथ में आप दूसरे तरीके से इसमें आलू भी डाल सकते हैं, उसमें भी जो हमारी फिलिंग है बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये छोटी वाली जो चम्मच है उसकी नाप की है, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो हमारी फिलिंग का जो प्याज है, प्याज को हमें एकदम ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है,
थोड़ा ये खड़ा खड़ा होना चाहिए तब ये अच्छा लगता है। तो अब देखिए हमने जो धनिया, ज़ीरा और सौंफ का मसाला तैयार किया था उसको मैंने दरदरा पीस के इसमें डाल दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है इस मसाले के कारण। आप लोग इसको ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने जो बेसन को भून के रखा था उसको डाल दिया है। बेसन से ना इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाता है, मसाले जो हैं आपस में जुड़ने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारा जो बेसन है इसका फ्लेवर किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें बेसन डाला है। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच चीनी। चीनी इसमें थोड़ा सा मीठा स्वाद देगा, खट्टा मीठा जो तीखा वाला स्वाद है बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मसाला रेडी है, अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। देखिए आटा थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको हाथ से थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसकी जो है छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। तो देखिए मैंने लोइयाँ काट ली हैं और जितनी हमारे पास लोई है उतनी ही हमें मसाले को ऐसे शेप मतलब लड्डू बना के ले लेना है। तो अब ले लीजिए एक लोई को और हाथों से ही इसको धीरे धीरे ऐसी शेप दे दीजिए, क्योंकि देखिए जो हमारा कचौरी है, हमारी जो कचौरियाँ हैं, कचौरी आप देखेंगे होटल में जाएंगे तो वो थोड़ी मोटी रहती है सेंटर से और साइड साइड से पतली रहती है। तो ये जो शेप है ये हाथ से देना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर बेलोगे तो क्या होगा, बेलने से ये चारों तरफ से इक्वल साइज़ की पतली हो जाएंगी। तो अब क्या है, हम हाथ से ही करेंगे, इससे क्या होगा जो साइड साइड का जो किनारे वाला हिस्सा है वो पतला रहेगा और सेंटर में जो है थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। और क्या करेंगे, जो हमने मसाले की जो लोई बना के रखी है उसको ऐसे बीच में रखेंगे और किनारों से ऐसे उठाते हुए चारों तरफ से हमें क्या कर देना है, सील कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से थोड़ा टर्न कर देंगे और ऐसे हाथ से दबा के ऐसे थोड़ा सा दबा के शेप दे देंगे। तो देखिए रेडी है हमारी छोटी छोटी कचौरियाँ। अब देखिए मैंने तेल को पहले हाई फ्लेम के पे गरम कर लिया था, फिर इसको एकदम लो करके रखा है, क्योंकि देखिए तेल लो रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी कचौरियाँ हैं हाई फ्लेम पे बनेंगी तो ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी करारी नहीं होंगी, ये पूड़ी जैसे बन जाएंगी, इलास्टिक जैसे। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे हमें पकाना है, फ्राई करना है, जिससे कि ये एकदम खस्ता हो। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब हम इसको तेल में डालते हैं तो तीन मिनट तक हमें, 3 से 4 मिनट तक हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टच करना है, क्योंकि इसे अपना एक टाइम लेना है, एक साइड में अच्छे से पकना है। अगर इस बीच में हम इसे हिलाएंगे या कुछ करेंगे तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है डिस्टर्ब होगा। तो हमें 3-4 मिनट के लिए थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ही हमें इसको थोड़ा सा हिलाना है या पलटना है। तो देखिए एक साइड से थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसको एक बार ऐसे पलट देते हैं। ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं मतलब पलटना नहीं है। तो अब देखिए, अब सेकेंड साइड भी हमें बहुत ही सब्र रख के अच्छे से फ्राई करना है, स्लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे। तो अब देखिए कलर जो है इसका चेंज होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और पलट देते हैं और अब इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए इसका कलर हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब एक एक करके हम जो हमारी कचौरियाँ हैं उनको निकाल लेंगे, छोटी छोटी गुब्बारे जैसी, फूली फूली गोलगप्पे जैसी कचौरियाँ, इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छी है और एकदम खस्ता और करारी है।
तो देखिए एक बैच जो है कंप्लीट हो चुका है फ्राई। अब सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल हमें हमेशा एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। तो अब सेकंड बैच को भी शुरू में 3 मिनट तक नहीं टच करना है, इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो रेडी है हमारी छोटी छोटी छोटू कचौरिया, गोलगप्पे जैसी फूली फूली और बहुत ही करारी खस्ता। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।